हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने क्लास 11th के फोर्थ लेसन पोषक तत्व एवं उर्वरक का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को पढ़ लिया था, इसके बाद में अपने देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के पौधों में क्या कार्य है, इसकी कमी से क्या हो जाता है और इसकी अधिक मात्रा होने से क्या हो जाता है और इसका अपने सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं, निदान किस प्रकार से पा सकते हैं। तो इसमें अपने कुछ पोषक तत्वों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे और कुछ पोषक तत्वों का जिक्र अपने अगले वीडियो में करेंगे। 15-16 पोषक तत्वों का अपने कार्य पढ़ेंगे, कमी के लक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने इसकी अधिकता से कुछ पोषक तत्वों अधिकता से भी क्या हो जाता है, अधिक डाल देते हैं तो क्या हो जाता है और इसकी कमी को पूरा किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चले अपने चलते हैं और अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अपने वर्गीकरण पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे अपने पोषक तत्वों के कार्य। पोषक तत्व एवं उर्वरक। देखिए पोषक तत्वों के कार्य, सबसे पहले अपने देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या नत्रजन, नत्रजन या एन के कार्य। नत्रजन के सबसे पहले अपने कार्य देखेंगे इसके, तो नाइट्रोजन किस में होता है, यूरिया में। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एमाइड के रूप में, ये अपने आगे पढ़ेंगे। तो यूरिया अपने सोच के देखो कि क्यों दिया जाता है। यूरिया पौधे को हरा रखने के लिए जाता है। पौधा हरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा, ज्यादा करेगा। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करेगा तो पौधे को ज्यादा भोजन मिलेगा, तो पौधा ज्यादा हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, पौधे में उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पौधे में हरा रंग आएगा, पौधे के शरीर के विकास के लिए सहायक है। इन सब बातों को अपने यहां पे लिखते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य है। सबसे पहला पौधों में नत्रजन से मतलब नाइट्रोजन से अमीनो अम्लों प्रोटीन व जीव द्रव्य का निर्माण होता है। क्या होगा, एमिनो अम्लों का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा और जीव द्रव्य का क्या होगा, निर्माण होगा। पर्णहरित मतलब कि पौधों में हरा रंग, पौधों की पत्तियों में क्या होगा, हरा रंग, पत्तियों में हरा रंग, पत्तियों में हरा रंग जो बनता है उसका द्वितीय घटक है का द्वितीय घटक है जो पौधों में हरे रंग को बढ़ाता है। हरे रंग को कौन बढ़ाएगा, नाइट्रोजन पौधों में। ठीक है, पर्णहरित का क्लोरोफिल का क्या है, द्वितीय घटक है। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस व पोटेशियम का उपयोग पौधों द्वारा संतुलित रूप में होता है। नाइट्रोजन से पौधों में
फॉस्फोरस व पोटेशियम का उपयोग, पोटेशियम का उपयोग संतुलित रूप से होता है, संतुलित रूप से होता है। क्या होगा कि पोटेशियम और फॉस्फोरस का उपयोग जो होगा वो संतुलित रूप से होगा यदि नाइट्रोजन का उपयोग अपने करेंगे तो। दाने व चारे वाली फसलों में, दाने व चारे वाली फसलों में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या काम आएगा? प्रोटीन का निर्माण। दाने व चारे वाली फसलों में इसकी कमी से क्या होगा, सॉरी इससे नाइट्रोजन से क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद में अपने अगला देखते हैं, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। अपने क्या करते हैं, चाहते हैं कि पौधा जल्दी जल्दी बढ़वार करे तो उसमें क्या है, यूरिया डालते हैं। यूरिया इसीलिए डाली जाती है कि नाइट्रोजन के कारण पौधे की वानस्पतिक जो वृद्धि होती है वो तेजी से होए। अब देखते हैं अधिक नाइट्रोजन से हानियां, नाइट्रोजन की अधिकता से, मतलब अधिक यदि नाइट्रोजन हो जाएगी तो क्या होगा। नाइट्रोजन का ज्यादा उपयोग भी क्या होता है, हानिकारक होता है। फसलें क्या होगी, देरी से पकेगी, फसलें देरी से पकती है। ये देखिए नाइट्रोजन से पौधा क्या होगा, वनस्पति वृद्धि होगी, एक तो एक क्या होगा, पत्तियां हरे रंग की होगी, हरे रंग की होगी तो क्या है, पौधे को पकने में टाइम लगेगा, देरी से पकेगी। गन्ने में अधिक नाइट्रोजन से शर्करा की मात्रा में कमी आती है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गन्ने में यदि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, गन्ने में मिठास कम हो जाएगी। अधिक नाइट्रोजन से पौधे की वनस्पति की वृद्धि, वनस्पति वृद्धि अधिक होती है जिससे फसलें गिरने लगती है। क्या हो जाएगी, वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फसलें क्या हो जाएगी, आंधी के साथ और पानी लगाएंगे तब क्या होगा, गिरने लग जाएगी। ज़्यादा वनस्पति वृद्धि होगी तो क्या होगा, भूसे की मात्रा दाने से अधिक हो जाती है, दानों से अधिक होती है, मतलब कचरा ज़्यादा निकलेगा, दाने कम निकलेंगे। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन की कमी से क्या होते हैं, हाँ सब्जियों में भंडारण क्षमता में कमी, भंडारण कम कर सकते, कम करके रख सकते हैं अपने, खराब हो जाएगी, क्षमता में कमी। यदि अधिक नाइट्रोजन का उपयोग किया होगा उस फसल को क्या भंडारित करेंगे तो क्या हो जाएगी, जल्दी नष्ट हो जाएगी। फूलगोभी में होलोस्टेम रोग, फूलगोभी में होलोस्टेम रोग, यह क्या हो जाता है, अधिकता से रोग हो जाता है। कमी के लक्षण, हाँ नाइट्रोजन की कमी के लक्षण,
अपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण अपने को कहाँ दिखाई देंगे सबसे पहले। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण अपने को सबसे पहले नीचे की पत्तियों में दिखाई देंगे, पौधों की निचली पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि पत्तियां क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। पौधे की पत्तियां क्या होती है, पीली पड़ जाती है। उसके बाद में अपना देखते हैं पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में वी आकार की हरिमाहीनता हो जाती है। अब वी आकार की हरिमाहीनता से क्या मतलब है कि इस प्रकार से वी का आकार बन जाएगा पौधों में, पत्तियां सूख जाएगी, वह सिराएं क्या रहेगी, हरी रहेगी, तो वी आकार बनेगा। ठीक है, तो अगला अपने लक्षण देखते हैं, फूलगोभी में बटनिंग रोग। कौन सा रोग हो जाता है और सारे पौधों में क्या हो जाता है, भूखा रोग। सारे पौधों में भूखा रोग हो जाता है। क्या होगा भूखा रोग कि उसको भूख दिखाई देगी। भूखा हुआ मनुष्य कैसे होता है, अपने दुबला पतला है ना, तब बोलते हैं ना अपने रोटी नहीं मिलती क्या, तो वैसे ही इसको क्या होता है, ऐसे मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता पौधे को, सब कुछ मिल रहा है उसको, पानी मिल रहा है, खाद उर्वरक सब मिल रहे हैं, परंतु उसको नाइट्रोजन यदि नहीं मिलेगा तो वो दुबला पतला सा रहेगा, मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसमें हरिमाहीनता आ जाएगी। हरिमाहीनता का मतलब क्या होता है कि पौधे की पत्तियां को हरे रंग की कमी हो जाना, पीली पड़ जाएगी, तो क्या होगा, हरिमाहीनता हो जाती है। तो पीली पड़ जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से भोजन नहीं बनेगा, और भोजन जब नहीं बनेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। इसके बाद में अपने देखते हैं कमी को दूर करने के उपाय। कमी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, क्या डाल के इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालकर, नत्रजन या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग। जैसे क्या होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो इसका प्रयोग करेंगे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे उर्वरक क्या है कि पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग करके नाइट्रोजन की कमी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए या आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपने आगे देखेंगे। सेकंड अपने देखते हैं फॉस्फोरस के क्या कार्य है। जिस प्रकार से नाइट्रोजन का कार्य है वृद्धि करना, पौधों को हरा रखना, उसी प्रकार से एक स्पेशल फॉस्फोरस का पी का कार्य होता है। ठीक है, तो अब पौधे की तो वृद्धि तो अच्छी हो रही है और हरिमाहीनता भी उसमें नहीं है, पौधा हरा भरा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इसके लिए
जड़ों का विकास होना भी जरूरी है। जड़ों के विकास के लिए किसका कार्य है? फॉस्फोरस का। सारों का डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, जैसे ये आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, ये आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सारों के टीचर इसमें अलग अलग है। जैसे इसमें फॉस्फोरस का कार्य क्या है? जड़ों की अच्छी वृद्धि करना। जड़ें अच्छी वृद्धि करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, वहां पे अच्छे से जड़ों का जाल बन जाएगा मृदा में, तो वो जल व पोषक तत्वों को आराम से क्या खींच सकते हैं। जब आराम से पोषक तत्व और उसको जल मिलेगा पौधे को, तो और क्या चाहिए? पौधे के नजारे नजारे, तब वह पौधा अच्छा वृद्धि और अच्छा विकास करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पौधे की जड़ों का विकास हो। अब लिखते हैं अपने फॉस्फोरस के कार्य। सेकंड, फॉस्फोरस के कार्य, तो इसकी कमी के क्या लक्षण होंगे? जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा क्या रह जाएगा? कमजोर रह जाएगा। और अपने देखते हैं फॉस्फोरस पौधों में पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा के भंडारण व स्थानांतरण में उत्तरदायी है। मतलब इसका अच्छा खासा रोल है किसमें? पौधों में ऊर्जा का भंडारण व स्थानांतरण में उत्तरदायी है। मतलब उसका रोल है, अच्छा खासा रोल है किसमें? भंडारण और स्थानांतरण में। फॉस्फोरस को पौधों की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी, ठीक है, इंग्लिश में एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो कई बार सीधा ही ऐसे एनर्जी करेंसी लिखा हुआ आता है। तो एनर्जी करेंसी कौन से पोषक तत्वों को कहा जाता है? फॉस्फोरस को कहा जाता है। पौधों की जड़ों का के विकास व फैलाव को क्या करेगा? बढ़ाता है। अगले वाला, पौधों में दाने कलियां व फूल, इनको क्या करेगा? इनके विकास में फूल व फल के विकास करता है, फल का विकास करता है, इनका क्या करेगा? विकास करेगा, मदद करेगा विकास करने में। दानों के बनने व परिपक्व होने में उत्तरदायी है। दाने क्या होंगे? बनेंगे व परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, किसकी वजह से? फॉस्फोरस की वजह से। भूसे की तुलना में दानों का अनुपात बढ़ाता है, दानों का अनुपात बढ़ाता है। भूसे की तुलना में क्या होंगे? दाने अधिक होंगे। तो ये किसका प्रभाव है? नत्रजन के, अधिक नत्रजन होगा तो अधिक नत्रजन के प्रभाव को कम करता है। तो अधिक जो नत्रजन होगा उसके प्रभाव को क्या करेगा? कम करेगा। ये सब तो है इसके कार्य। इसके बाद में
कमी के लक्षण। फॉस्फोरस की कमी के लक्षण, क्या क्या फॉस्फोरस की कमी के लक्षण हैं, तो अपने को किस प्रकार से पता चलेगा कि इसमें फॉस्फोरस की कमी हुई है। पौधों की जड़ों का विकास होगा और वृद्धि होगी, वृद्धि व विकास कम होता है, कभी कभी जड़ें सूख जाती है। क्या होगा, कभी कभी तो जड़ें सूख भी जाती है फॉस्फोरस की कमी की वजह से, और वृद्धि व विकास कम होगा। फॉस्फोरस की कमी से पौधे की पत्तियां इम्पोर्टेंट है हंसियाकार हो जाती हैं। पौधे की पत्तियों का आकार क्या हो जाएगा, हंसिये के आकार का, द्रांति के आकार की हो जाती है। कमी से एकमात्र पोषक तत्व है जिसकी कमी से पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इसलिए यदि यह अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएगा तो इसके लिए क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब फॉस्फोरस को क्या कहते हैं, की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी बोला जाता है। इससे क्या होगा, कमी से पौधे की निचली पत्तियां, पौधे की निचली पत्तियां गहरी हो जाती है और बाद में पर्पल या बैंगनी रंग की हो जाती है। क्या होगा, गहरी हो जाएगी, गहरे हरे रंग की हो जाएगी और उसके बाद में क्या होगा, पर्पल या बैंगनी रंग की हो जाती है। दूर करने के लिए उपाय क्या होंगे, दूर करने के उपाय, कमी को दूर करने के उपाय। अब देखिए, अब जो ये सारे लक्षण हैं कब दिखाई देते हैं अपने को, कमी होने के बाद दिखाई देते हैं। यहां जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों का विकास नहीं होगा तो क्या, पौधा सूख जाएगा। अब फॉस्फोरस की कमी के बिना पत्तियां हंसियाकार की हो जाएगी तो उसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, तो पौधे को भोजन भी नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएगा, और जीवन चक्र भी पूरा नहीं होगा, और निचली पत्तियां क्या हो जाती है, बैंगनी रंग की हो जाती है, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब यदि उसकी कमी हो गई तो क्या होगा कि उसकी कमी को जब अपने दूर करेंगे इतने तक क्या हो जाएगी, वो फसल का जीवन चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि जब तक अपने को पता चलता है इनके दर्शन करके पौधों के कि हाँ भाई इनमें इस चीज़ की कमी है, तब तक फॉस्फोरस की यदि कमी होगी तो पौधों को अपने बचा नहीं सकते, पौधे मर जाते हैं। इसलिए मृदा में समय रहते ही क्या, फॉस्फोरस की जांच करनी चाहिए, मृदा परीक्षण में फॉस्फोरस की जांच करनी चाहिए, वह उचित फॉस्फोरस मृदा में फसलों की बुआई के समय, बुआई के समय खेत में देना चाहिए।
अब फॉस्फोरस वाले यौगिक कौन कौन से हैं, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, ये है। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, इसके बाद में अपने देखते हैं अगला पोटाश। हाँ जी, दो अपने पढ़े हैं कि नाइट्रोजन का अलग कार्य था, फॉस्फोरस का अलग कार्य था, इसी प्रकार से थर्ड अपने पढ़ेंगे कि पोटाश का क्या कार्य है, पोटाश का भी तो कुछ काम होगा। तो पोटाश क्या करता है, ट्रैफिक वाला होता है, ट्रैफिक वाले क्या काम है, रुक जा यही काम होता है। तो इसी प्रकार से वो क्या करता है, पोटाश भी एक ट्रैफिक मैन है, इसको क्या बोलते हैं, पौधों का ट्रैफिक मैन बोला जाता है। किसको रोकता है ये, पशुओं को आने से रोकता है, नहीं, पर्ण रंध्र, जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनको खोलने का काम और उनको बंद करने का काम किसका होता है, पोटाश का होता है। तो इस वजह से इस किसको रोकेगा, वाष्पोत्सर्जन से जो पानी की हानि होती है उसको ये नियंत्रित करता है कि कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। नोट करते हैं थर्ड नंबर पोटाश के कार्य, प्रतीक क्या होता है, के, ठीक है। तो पोटाश के कार्य अपने पढ़ेंगे कि पोटाश के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला अपने कार्य पढ़ेंगे कि यह रंध्रों को खोलने वह बंद करने का आवश्यक अंग है। तो इसके बिना क्या होंगे कि रंध्र खुलेंगे और बंद नहीं होंगे, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रैफिक का पुलिसमैन कहते हैं। हाँ जी, दूसरा अपने इसका काम देखते हैं, पौधों को सूखे से बचाता है वह वाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है। पौधे को क्या होगा, सूखे से बचाएगा और वाष्पोत्सर्जन जो दर होगी उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पौधे में जल की हानि क्या होगी, कम होगी। जब जल की हानि कम होगी तब पौधों में क्या होगा, पानी की पूर्ति होगी। इसके बाद में अपने देखते हैं पौधों को रोगों के प्रति क्या होगा, प्रतिरोध बनाएगा, रोगों के प्रति प्रतिरोधन या सहिष्णु बनाता है। यदि अच्छा पोटाश होगा मृदा में तो पौधों में क्या होगा कि रोग से लड़ने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पुलिस वाला कुछ तो करेगा ना, फसलों को गिरना एक एक्सीडेंट ही है, गिरने से रोकता है। गिरना क्या है, एक एक्सीडेंट है, बाइक भीड़ तो ही गिर गए मर गए। तो गिरने से क्या होता है, रोकता है, कौन रोकता है, पुलिस वाला, धीरे से लाएंगे ना पुलिस वाले के डर से। तो फसलों को क्या होगा, गिरने से रोकेगा। इसके बाद में अपने देखते हैं पौधों में शर्करा के निर्माण व स्थानांतरण को बढ़ाता है। पौधों में शर्करा का निर्माण होगा ज्यादा, वह उसका स्थानांतरण को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके बाद में अपने देखते हैं पौधों की
गुणवत्ता, गुणवत्ता में क्या करेगा, वृद्धि करता है। तंबाकू की पत्तियां यूज होती है, पता होगा, पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है। पौधों की क्या हो गई, गुणवत्ता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। इसके बाद में अपने इसका अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता के कुप्रभाव को क्या करेगा, कुप्रभाव को कम करता है। ये सारे तो हैं इसके कार्य। अब इसके पढ़ेंगे कमी के लक्षण, कमी होगी तो क्या हो जाएगा, कमी के लक्षण, तो कमी से क्या क्या लक्षण होंगे वो अपने देखते हैं। पौधे के कहां पर होगा, निचली पत्तियों में, निचली पत्तियों के किनारे सूख जाएंगे और क्या हो जाएंगे, भूरे पड़ जाते हैं, सूखकर भूरे पड़ जाते हैं। इससे अपने पहचान होगी कि पौधे में पोटाश की कमी है। अगला अपना देखते हैं, पौधों के पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, वह वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ये दो इसके कमी के लक्षण हैं, पत्तियों के ऊतक मर जाएंगे, पत्तियों के ऊतक मर मतलब नेक्रोसिस, मर जाते हैं, पत्तियों के ऊतक मर जाएंगे। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट देखते हैं, नम क्षेत्र में लक्षण पहले देखने को मिलते हैं, मतलब मिलते हैं, जहां पे नमी होगी, जिस एरिया में नमी होगी वहां पे पोटाश के लक्षण क्या होंगे, सबसे पहले दिखाई देंगे। उसके बाद में रोगों व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, यदि ये होगा तो रोगों व कीटों से क्या होगा, बचाएगा, यदि ये नहीं होगा तो रोग व कीट क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। एक होता है लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन क्या होता है कि यदि पोटास की अधिकता होगी तो भी बहुत ज्यादा उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होता है, अधिकता से उत्पादन अधिक नहीं होता है। यदि इसकी अधिकता होगी तो उत्पादन क्या होगा, बहुत ज्यादा अपने को नहीं मिलेगा। हिडन हंगरी मतलब छुपी हुई भूख, कमी होने के बावजूद भी कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि हिडन हंगरी का मतलब छुपी हुई इसमें भूख होती है। यदि पौधे में पोटाश की कमी के लक्षण होंगे फिर भी यह क्या होगा, अपने को ये लक्षण बहुत मुश्किल से प्रकट होते हैं, जब तक पौधा नष्ट होने लगता है तब ये लक्षण अपने को क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, अगले कुछ पोषक तत्व अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए तीन पोषक तत्व तो बहुत रहेंगे, तो आपको इसको नोट कीजिए, लर्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।